नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको मेरे गांव का दर्शन कराने वाला हूं। मैं गांव आया हुआ हूं राखी पे। वैसे तो आना नहीं चाहिए था कोरोना को देखते हुए, लेकिन फिर भी पर्सनल व्हीकल था तो आ गए। बड़ा सुंदर माहौल है, बहुत अच्छा इस टाइम मौसम हो रखा है। एक तो बारिश का सा मौसम हो रखा है, दूसरा सावन चल रहा है। तो एक तो पेड़ों पे मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सुंदर सुंदर लाल लाल पत्तियाँ लगी हुई हैं। यदि आपने अभी नहीं देखी हो, आप कहीं दूर रह रहे हो सिटी वगैरह में, तो आपको देख के मज़ा आ जाएगा। इतनी सुंदर ये पत्तियाँ लग रही हैं, एकदम नई नई कोकल जो निकलती हैं आप कह सकते हो। तो वो बहुत ही मतलब मनोरम दृश्य है, उनको देखना अपने आप में। हल्का सा पिंक शेड उनका होता है, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। फिर मैं आगे भी आपको बताऊँगा गाँव का। लगभग मेरा जो घर है, अभी मैं घर के मतलब छत पर हूँ, तो यहाँ से ज़्यादा तो नहीं, मेरी पूरी ढाणी यहाँ से दिखती है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। और जो हमारा पुराना घर था वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी यहाँ पे कैसी क्या लाइफ है, क्या क्या होता है, वो भी लगभग मैं कोशिश करूँगा आपको इस वीडियो में कवर करने की। हमें देखो ये लाल पत्तियों की मैं बात कर रहा था, वो देखो आप इसमें दिखाई देंगी आपको वीडियो में। स्क्रीन पे भी जो दिख रही है नई नई कोपल जो निकली हुई हैं, वो वैसे तो हरा होता है पीपल का पेड़, लेकिन इन कोपलों की वजह से ये थोड़ा दो शेड का आपको दिख रहा होगा। अभी नीम के पेड़ में भी ऐसी इस टाइम पत्तियाँ निकली हुई हैं, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट सी हैं, मतलब अपने आप में ही खुश हो जाता है इनको देख के। दूसरा पक्षियों का शोर बैकग्राउंड से अपने आप ये एक नया किसी काम को दे रहा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ घर के आगे का सीन और हमारा पुराना वाला। ऐसा कुछ नज़ारा अभी मेरे घर से दिखता है, मेरी ढाणी के लगभग सारे घर यहाँ से दिख जाते हैं। तो आप ऊपर चढ़ के दूर तक आराम से देख सकते हो। आपको वीडियो में दिखाई पड़ रहा होगा, जो अभी ये सामने आपको ये भवन दिख रहा है, जो बिल्डिंग दिख रही है जिसके बीच में छेद है वाली, तो ये क्या चौक है और ये ऊपर से ओपन है। ये हमारा पुराना घर है, इसे हम हवेली कहते थे, चौक बंद हवेली जिसे कहते हैं। एक ही गेट है इसमें पूरे घर में, आप देख सकते हो। मेन गेट बंद, नो एंट्री, फिर आपको ऊपर नीचे से चढ़ के जाना होता है। तो ये हमारा पुराना घर था, सब लोग रहते थे, लेकिन जैसे जैसे फैमिली में मेंबर बढ़े तो सब ने अपने अपने अलग अलग घर बना लिए। हम 10-15 साल लगभग पहले इसमें रहा करते थे, और अभी की यदि मैं बात करूँ तो जो हालात कुछ इस तरह के हैं। जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं वो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे मुझसे जो चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिल रही हैं उनसे। जो शहर में रहते हैं उनके लिए हो सकता है ये चीज़ इतनी उनको टच ना करे, लेकिन मैं बता दूं कि जो लोग जुड़े हुए हैं गांव से तो उनको ये सब चीज़ें नॉर्मल सी लगेंगी। अभी हम चलते हैं ताई के पास, जो बना रही हैं गर्मा गर्म रोटी। अब वहाँ चल के देखते हैं क्या उन्होंने बनाया है, कैसा क्या कर रही हैं। ये चूल्हे में जलती हुई आग भी कितनी सुंदर लग रही है नी। वैसे गांव के सारे लोग ना मिट्टी से जुड़े हुए लोग होते हैं ऐसा कहते हैं। जैसे अभी आपको दिखाई पड़ रहा है ये चूल्हा है, ये भी मिट्टी का है। इसके ऊपर जो तवा रखा है ये भी मिट्टी का है, और कुछ दिन पहले तक तो जिस बर्तन में आटा लगाते हैं वो भी मिट्टी का हुआ करता था। ताई बहुत जिद कर रही है और इन्होंने बनाया है दाल और रोटी। तो गर्मा गर्म चूल्हे की ये कड़क कड़क रोटी और मस्त वाली इन्होंने दाल बनाई है। चलो वो मैं भी खा ही लेता हूँ, इतना कह रही हैं। काफ़ी याद करती हैं, जब भी मैं आता हूँ तो इनसे मिलने ज़रूर आता हूँ। अदरवाइज ये कहती है कि नौकर लग गया तो तू भूल गया, बड़ा आदमी हो गया। तो चलो अब खाना खा के फिर अपन चलेंगे खेतों के साइड, वहाँ भी मैं आपको दिखाऊँगा। लेकिन उससे पहले एक जो देसी सुट्टा होता है वो भी मैं आपको बता दूँ, मिट्टी का ही वो बना होता है। मिट्टी से जुड़ी कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे क्या है कि ये छोटा सा है, हालांकि ये मिनी हुक्का आप इसे बोल सकते हो, इसमें पानी नहीं डलता, सिर्फ इसमें तंबाकू लगती है। और ये जो कंकर मेरे हाथ में, इसका नाम होता है चुगल। तो इसमें वो कंकर के ऊपर तंबाकू डाल दी, तंबाकू के ऊपर कोयला रख दिया और फिर इसे खींचते हैं, सुट्टा मारते हैं। मैंने भी ट्राई किया था कि सुट्टा मारूं और वो छल्ले बनाऊं मुँह से, लेकिन मेरे से तो बने ही नहीं और खांसी और आने लगी। दूसरी बात, यदि मिट्टी से जुड़े होने की मैं बताऊं तो जिनके घर में क्या कच्चे अपने आंगन होते हैं, तो वो लोग सीमेंटेड फर्श नहीं होती है तो उसकी जगह क्या करते हैं कि मिट्टी को गोबर में मिला के और फिर उसमें पानी डाल के उसे गला के उससे लीप देते हैं। तो एक बड़ी अच्छी इसके अंदर खुशबू आती है और देखने में सुंदर लगता है। इसके ऊपर शानदार वाइट कलर से मांडने भी बनाए जाते हैं, वो भी जब बनाएंगे मैं बताऊँगा। अब चलते हैं खेतों के साइड, देखो कितनी सुंदर हरियाली है गांव में। बड़ा अच्छा इस टाइम माहौल हो रखा है, सावन के महीने की वजह से अच्छी हवा भी चल रही है। अब मैं आपको कुआं दिखाऊंगा जिसमें मैं गिरा था। जब मैं बचपन में छोटा था तो मैं एक कुएं के अंदर गिर गया था, वो लगभग 101 फीट गहरा था और बच गया था। हालांकि मेरे हाथ वगैरह टूट गए थे, लेकिन मैं आज सलामत हूँ, किसी वजह से मैं बच गया था। तो यही वो कुआं है। अब इसको हालांकि ढक दिया है ताकि कोई और इसमें गलती से या जानबूझ के गिर ना जाए। किसी एक भाई ने तो इसमें कूद के सुसाइड भी कर ली थी। तो ये हालांकि सीमेंटेड कर दिया, जब मैं गिरा था तब कच्चा था,
और ये क्या है, खेजड़ी का पेड़ है, इसके जड़ में एक हमने भैरू बाबा का चबूतरा वो बनाया था मंदिर, जब कुआं खोदते थे पहले तो उस टाइम बनाया करते थे, उस हिसाब से भी बनाया था, लेकिन अब इसमें पानी नहीं है, पानी बहुत नीचे चला गया है, यहाँ पे 700-800 फीट तो अब कुएँ काम के नहीं रहे यहाँ पे। आपको कुंडे दिखाई पड़ रहे हैं ना, जब हम छोटे थे ना तो यहाँ पे नहाने के लिए आते थे और इनमें कूद कूद के नहाते थे, क्या करते थे कि जैसे ये बड़ा वाला जो आपको टैंक दिख रहा है इसके ऊपर चढ़ गए और फिर इनमें कूदते थे, उस टाइम लगने का डर नहीं लगता था, अब सोचते हैं गलती से मान लो इस कंक्रीट पर गिर जाते तो क्या होता। खैर वो बचपन की यादें थी जो अब नहीं रही हैं, अब बोरवेल हो गई है सब जगह और बोरवेल की वजह से कुएँ वगैरह इनकी सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। चलो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।